Hello and welcome to the Shutter Pins. Today I'm your host Rohan. Today I'm with Sagar Rai, who's the founder of TV Sports. On behalf of everyone, I welcome. Hi Sagar, welcome to the Shutter Pins. Hi Rohan, how are you doing? तो आज हम लोग इस टॉक पे बात करेंगे आपके बारे में, क्या आप बिजनेस वेंचर है उसके बारे में बात करेंगे. Finally, we'll start with tell me about yourself. क्योंकि बहुत जानना है आपके बारे में, कैसे शुरू हुआ, क्या है. So Rohan, सबसे पहले मतलब मैं कहाँ से आता हूँ वो जानने की जरूरत है कि मैं एक पैरामिलिट्री फैमिली से आता हूँ. मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली में नहीं है. एंड हम लोग का 3 साल में ट्रांसफ़र होता है. और जो मेरी 2 बहन है. एंड कभी भी मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मेरे को एक अपना वेंचर स्टार्ट करना है या ऐसा कुछ भी मैं लाइफ में करूँगा. ये रोड मैप में ही नहीं था, कहीं पर मैप में ही नहीं था मेरे. बट लाइफ आपके लिए क्या जानती है, क्या समझती है और क्या उन्होंने लाइफ ने आपके लिए सोच रखा है वो आपको भी नहीं पता. मैंने केंद्रीय विद्यालय से बहुत स्कूलिंग की है, एयरफोर्स स्कूल एंड क्राइस्ट ज्योति. तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आई हैव ट्रैवल्ड, है ना, पूरा इंडिया अपना कवर्ड है. मेरा स्टार्टिंग से था, मैं स्पोर्ट्स में था, मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले. मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, है ना. स्टिल मैं स्पोर्ट्स के लिए इतना ड्रिवन था कि मैं नहीं सोचता था. घर वाले बोलते थे यार कि क्यों खेल रहा है, क्यों जा रहा है बाहर. एंड मैं जब भी मतलब मेरे को हमेशा दिक्कत आ जाती थी बिकॉज आई वॉज एलर्जिक टू डस्ट काफ़ी ज़्यादा. और मैं स्पोर्ट्स समझता था. मेरे फादर डिफेंस में स्पोर्ट्स कोटा से आए थे, ही इज इन CISF. तो उन्होंने कभी ना मेरे को खेलने से नहीं रोका, बट वो स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशनल कैरियर वो अच्छा नहीं मानते. और उनके जो भी क्वेश्चन थे, तो मेरे फादर के क्वेश्चंस पे एक्चुअल में ये वेंचर बना और दिमाग में आया मेरे कि उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें पूछी कि भाई ये बताओ क्या करोगे, है ना, कैसे करोगे, हु इज योर आइडल, है ना, कमाओगे कैसे, घर कैसे चलाओगे, और क्या ये जो भीड़ है ना, तुम्हारी जो फैन बेस है, जो तुम्हारा मैच वैच देखने आती है, जो तुम्हारे लिए मेरे वाउच करती है घर पे आके कि भाई सर आपका बेटा क्या खेलता है, सर क्या खेलता है. तो ये कुछ नहीं है, बस स्पोर्ट्स में नाम होता है. जो पोएट होते हैं उनका नाम होता है, पैसा थोड़ी ना होते हैं इनकी जेब में. तो आपको आपके स्किल से लोग पहचान रहे, समझ रहे हैं, बट पैसा कैसे आएगा भाई. तो एक्चुअल में मेरे फादर के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर नहीं था मैं. तो मेरे को ना सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मिली अंडर 14 फुटबॉल खेलने के लिए फ्रॉम साई गुवाहाटी. हाँ, गुवाहाटी से. और उसके बाद ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी. सेकंड अपॉर्चुनिटी मैं बैडमिंटन में भी काफ़ी अच्छा था, बट कोचिंग एंड ऑल घर में नहीं प्रोवाइड किया. तो आई प्लेड टिल सेमी स्टेट में, है ना, आई एम स्टिल गुड, आई प्ले ग्रेट. और फिर मेरे लाइफ में इसके बाद आया स्विमिंग. सो मेरे को इतने सारे टाइम में, इतने सारे स्पोर्ट्स में जो अस्थमा था, है ना, वो रहता ही था, वो आता था, डस्ट एलर्जी एंड ऑल. तो जब स्विमिंग मैंने स्टार्ट किया ना, तो द लंग कैपेसिटी एंड एवरीथिंग चेंज, है ना, और इट हेल्प मी अ लॉट. और एंड आई बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन इन 3 मंथ्स, स्टेट चैंपियन इन 6 मंथ्स, एंड इट वॉज अ मैजिक, है ना. क्राउड पागल था कि यार ये लड़का कहाँ से आया. फिर मेरे से पूछते भाई कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, कब से सीख रहे हो. मैं बोला 6 महीने हुए यार. बोले क्यों मजाक कर रहे हो. मैंने ना एक रोड मैप बनाया जब ये सारी चीज़ें हुई कि भाई खेलना तो है यार, मतलब. तो मेरा रोड मैप था कि भाई खेल कैसे पाएंगे. पापा के क्वेश्चन का जो आंसर उस टाइम पे जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे मैंने निकाला कि भाई पापा कैसे स्पोर्ट्स में इससे आए. तो भाई अपन CDS की तैयारी करते हैं, आर्मी पे जाएंगे. मेरे आइडल थे राज्यवर्धन सिंह राठौर सर, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, है ना. तो मेरा था भाई डिफेंस में जाएंगे और स्पोर्ट्स करेंगे. ये मेरा शोर था. और फिजिकली बिल्ड भी ऐसा था अपना कि भाई कर लेंगे करके. तो इसकी तैयारी करी मैंने. तो भाई नाम क्या रखना है प्रोडक्ट. अच्छा, तो TB स्टैंड्स फॉर खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. सो दैट्स रियली, या तो वी हैव अ ट्रेडमार्क फॉर इट. ओके, देखो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना एक स्टार्टअप फाउंडर का वो होता है, वो अंदर से आता है, इनबिल्ड है, ठीक है. सब सबके पास की नहीं है. वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको चेंज करवाना सेकंड थिंग होता है. Yes. और थर्ड थिंग, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आती है तो एक कोटा फैक्ट्री में है ना कि उसको ढूंढ दो. यस, तो प्रॉब्लम आती है तो उसको ढूंढ दो. तो वो चीज अगर है आपके अंदर, यू कैन बी अ फाउंडर. यस यस यस, आई एग्री. यहाँ से हम आते हैं स्टोरी जहाँ पे मैंने छोड़ी कॉलेज में. मेरे को आइडिया आया, वहां से मैं बाहर निकला वो आइडिया लेके. मेरे को बोला भाई तू प्लेसमेंट में बैठ रहा क्या,
मैं बोला भाई मैं अगले साल अपनी कंपनी लेके आऊंगा, ओके तो बैठ जाना वहां पे। और आई वॉज सो मच श्योर अबाउट इट कि भाई हुआ क्या ना, क्योंकि ये देखो तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चीजें हुई वो उस प्रोडक्ट के साथ इंटरलिंक्ड है। ये आप बीती है जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने जिया है, यस और जो मैंने जिया है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर वालों को जीना ना पड़े, यस सेम चीज। और आई एम अ पर्पज ड्रिवन एंटरप्रेनर, आई एम नॉट अ लाइक बिजनेस मैन। वो मेरे को अगर तुम बोलोगे कि भाई सागर यार आज ईवी कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्टिल आई हैव अ बिजनेस नॉलेज, मैं कंसल्ट करूंगा तुम्हें ओके बट तुम्हारे धंधे में इन्वॉल्व नहीं होगा। वंस आई वॉज वर्किंग इन द ऑन माई प्रोडक्ट और पैसे बना रहे थे हम और चीज़ें, तो ये लास्ट ईयर की बात है, अभी स्टार्टिंग इस ईयर की बात। तो मैंने सोच रखा था कि मेरे को इस स्टेज में फंड रेज करना है, और मैं ढूंढ नहीं रहा फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि हम आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द बिजनेस, क्योंकि धंधा जो है स्टार्टअप को एकदम वो कर दिया कि भाई प्रोडक्ट बनाओ, धंधा बना बिना बनाए धंधा दूसरे के पैसे से बनाओ। स्टार्टअप इंडस्ट्री खराब कैसे हुआ, क्या कैसे बढ़ा, फंडिंग इतना क्रंच क्यों आ गया, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट बनाया उसका धंधा नहीं बनाया, बट धंधा बोल रहे हैं हम दूसरे के पैसे से बनाएंगे खर्च बनाएंगे करके, मजा उसमें है, वहां पे गलती है। यस तो जब मैं बहुत फोकस था अपने बिजनेस को लेके, तब मेरे को खुद चल के पैसा है मेरे पास, है ना। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. यस व्हेन यू स्टार्टेड दिस कीबी स्पोर्ट्स वाज इट बूटस्ट्रैप और क्या पहले से ही नहीं लोग नहीं जुड़े थे आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, कैसे नहीं था क्या? सो सी इट वॉज एन आइडिया एंड इट वॉज बूटस्ट्रैप्ड, ठीक है। आई जस्ट रेज फंडिंग 2-3 मंथ्स बैक। एंड दूसरी चीज की एक आइडिया था, है ना। सेकेंड थिंग कि भाई ये सब, अब वो जर्नी अगर मैं बताऊं कि वो ग्रोथ वो प्रोडक्ट जर्नी, इट्स वेरी एक्साइटिंग। इट स्टार्टेड इन 2019 दिसंबर, एंड 2020 के अराउंड मैंने 5 फरवरी 2020 मेरे को डेट भी याद है, डोमेन नेम लिया कंपनी का और सीए को बोला फाइलिंग वाइलिंग के लिए कि ये सब, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे पहले इन्वेस्टमेंट वही थी, डोमेन नेम जब लिया अंदर से आया भाई नेवर टर्निंग बैक। सबसे पहली चीज की जब आप ये समझो, अगर आप एक फाउंडर हो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कंपनी कैसे बनानी है और एकदम फ्रेश हो, तो स्टार्टअप्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेटेड लर्निंग, ठीक है। उतना आपको बीटेक एमबीए कोई नहीं सिखा पाएगा जितना आपका प्रोडक्ट आपको सिखा देगा, मार्केट सिखा देगा। तो मैंने हर एक वर्कशॉप अटेंड करी, मैंने हर एक लोगों से मिला, और बहुत लोग होते हैं ना स्टार्टअप्स में, भाई मैं अपना आइडिया डिस्कस नहीं कर सकता, भाई आइडिया की भाई कोई वैल्यू नहीं होती। पहली चीज, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, ठीक है। तो आप एज मच एज यू कैन आप आइडिया डिस्कस करो अपना, भाई रिक्शा वाले से भी करो आइडिया डिस्कस, ऑटो वाले से भी करो, किसी CXO से भी करो, अपने सबसे करो आइडिया डिस्कस। होगा क्या कि तुम्हारा आइडिया वैलिडेट होगा, ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट। तो वो मैं वैलिडेशन स्टेज पे था, मैं कर रहा था, मतलब अगर मेरे को किसी की भी बात पक्की लगी तो मैंने वो कर दिया। कर दिया. मतलब अगर आपने मेरे को बोला कि सागर यार तू क्या शॉर्ट्स वॉर्ट्स में आता है, तू फॉर्मल में आ ऑफिस, तेरे को एक यूनिफॉर्म में रहेगा, तेरे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपने इसको फैक्ट के साथ जोड़ दिया, यस मैंने कर दिया। कर दिया. तो ये चीज थी कि भी स्पोर्ट्स के साथ व्हाट्स द एम। तो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग स्पोर्ट्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, अ डिजिटल स्पोर्ट्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। 1 CR का रेवेन्यू ऑफ ईयर 10 CR 50 CR में चेंज हो जाएगा। डिजिटलाइजेशन का वही है, द ग्रोथ इज एंडलेस, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाती है और इजी हो जाती है। हमने क्या किया, अगर मैं ट्रांजिशन जर्नी बताऊं, तो पहले हमने सोशल मीडिया क्रिएट किया अपना पेजेस, वहां पे हम मिक्स टेप्स बनाते थे एथलीट्स के, उन मिक्स टेप्स को हम प्रमोट करते थे और ब्रांड्स को रीच आउट करते थे उन एथलीट की स्टोरी लाइन के साथ। वहां से ब्रांड्स एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप देते स्पॉन्सरशिप थे देते थे. और उसमें हम कमीशन लेके, हमारे पास पोर्टफोलियो बन रहा है, ब्रांड और एथलीट ब्रांड पोर्टफोलियो बन रहा है। ऑफिस. ये चीज चली 2-3-4 महीने, चल रही थी ये। तो एक ना, बट इस प्रोसेस में एक्चुअली बहुत टफ था ये प्रोसेस, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत टफ था, मार्केट ओपन नहीं था, एथलीट्स को पे कोई बैट नहीं कर रहा था, उतनी डील्स उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो माई मॉम टोल्ड मी कि भाई वाई डोंट यू गो इन टू लाइक समथिंग सॉलिड जिससे तुम्हें पैसा आते रहे। तो जेम पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सो वहां पे हम स्पोर्ट्स अपैरल स्पोर्ट्स गुड्स एज अ मैन्युफैक्चरर रीसेलर रिटेलर वी गॉट लिस्टेड। मैंने एक रेंटेड फैक्ट्री रेंट करी मेरठ में, वहां से हमारा प्रोडक्शन होता है स्पोर्ट्स अपैरल स्पोर्ट्स किड्स का। अब वहां से क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले रही,
मेरे को गवर्नमेंट ऑर्डर्स आने लग गए, टेंडर फाइलिंग करने लग गया, मेरा B2G सेगमेंट पूरा ओपन हो गया। ओके हाँ, और फिर एकेडमीज, ये लोग और कस्टमाइज स्पोर्ट्स अपैरल्स, मर्चेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेरा क्लाइंटल इतना बड़ा हो गया। हाँ, मेरे को क्या है, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करना है, एंड मेरा क्लाइंटल बन रहा है मेरे लिए अच्छा, कॉन्टैक्ट्स, एसेट्स गुड, मेरे प्रोडक्ट के लिए अच्छा, उसमें मेरे को अगर बंदे चाहिए प्रोडक्ट लॉन्च करके, एंड दो सर्विस आर डिजिटलाइज, दे कैन इजली कम, तो वहां से अपने ना एक सुपर सॉलिड पैसा आने लगा। तो वो उस पैसे से फिर मैंने अपना वायर फ्रेम बनाया, टीम बनाई, टेक टीम, फिर वहां से हुआ क्या, जब ये सुपर सॉलिड चीज हो गई, टीम हो गई, और एथलीट्स और ब्रांड्स के साथ भी इंगेजमेंट अपना सेक्सी चल रहा है, तो फिर मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आए। तो हमारे जो ऐप है कीवी स्पोर्ट्स ऐप, उसमें एक कॉमर्स सेगमेंट है, वेयर ब्रांड्स का दो रोल है उस ऐप में, दे कैन सेल देयर गुड्स एंड दे कैन स्काउट एथलीट्स हु आर परफॉर्मिंग ग्रेट एंड दे कैन एंडोर्स देम एंड हैव अ डील कॉन्ट्रैक्ट विद देम। तो ये एक डील है, दे विल डायरेक्टली कनेक्ट विद देम और इट्स थ्रू यू, इट्स थ्रू अस, द प्रोसेस इज थ्रू अस। तो कॉमर्स सेगमेंट को मैंने बोला कि क्यों ना आज स्टार्ट करते, शॉपिफाई के एड्स चलते रहते थे बहुत, तो शॉपिफाई पे रात को मैं बैठा, मैंने सारे ब्रांड्स को मेल किया, उनसे कैटलॉग और कमीशन मंगाए, आई मेरे पास अगले दिन कॉमर्स स्टार्ट। आज की डेट में हमारे पास सारे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स। तो एक जो मैं वही बोल रहा हूँ इन सब सारी चीज़ों से, अंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई जो तुम्हारा धंधा है तुम ऑन ग्राउंड बना लो। मैंने देखा है फाउंडर से आप 2-3 साल क्या चल रहे हैं यार, टेक बना रहे हैं, टेक बना रहे हैं, टेक बना रहे हैं, वो इंडिया ट्रैवल कर लेते हैं, वो बहुत लोगों से मिल लेते हैं, वो मतलब वो धंधे पे फोकस नहीं करते, टेक बना रहे, टेक बना रहे, टेक बना रहे, यार बिजनेस बना लो, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाओगे। टेक अगर 5-6 साल में ही बन रहा है भाई, तो तू स्ट्रगल नहीं कर रहा है ना। आज के डेट में अगर फंडिंग क्रंच है, तो तुम्हें ये सोचना है कि आत्मनिर्भर कैसे बनूंगा। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज जो आज के डेट में फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स को दिक्कत है, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। वो यहाँ पे मैं बैंगलोर में देखा, कोई स्टार्टअप ये नहीं सोचता कि मेरे को इंक्यूबेट होना चाहिए, किसी को इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में नहीं पता कि एक्चुअल में इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है, क्या है। उनका लगता है भाई मैं इंक्यूबेशन सेंटर जाऊंगा, मेरे से 2-3% इक्विटी मांग लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मैं 2-3 जगह इंक्यूबेटेड था, और मेरे को हर जगह से बहुत लर्निंग मिली। मतलब सबसे पहले मैं शारदा लॉन्च पैड ग्रेटर नोएडा में इंक्यूबेटेड था, देन मैं CEOEP भाव इंस्टीट्यूट पुणे में इंक्यूबेटेड था, मेरे को IIT BHU वाराणसी का भी इंक्यूबेशन ऑफर है। तो इन सारी जगह से आपको ज्ञान ही मिलता है, आपके लिए क्यों खुले वो संस्था, क्यों उन्होंने बना रखे, क्योंकि आपको एज अ फाउंडर, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए। और आपके जब फाउंडेशन वीक होता है, आप वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो आपको कई जगह करना चाहिएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। सर, एज यू वर्क विद स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल हेल्प्स स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर द एमर्जिंग फाउंडर्स स्टार्टअप्स? ओके, सो स्टार्टअप इंडिया, अगर स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे आप, तो सारे के सारे जो स्टार्टअप से रिलेटेड इकोसिस्टम सपोर्ट चाहिए, हर एक टाइप के स्टार्टअप के स्टेक होल्डर्स वहाँ पे हैं जो आपको असिस्ट कर सकते हैं। लाइक यू कैन फाइंड CAs, यू कैन फाइंड ग्रांट्स, यू कैन फाइंड स्टार्टअप पॉलिसीज, स्टेट स्टार्टअप पॉलिसीज, फंड्स एंड कॉर्पोरेट इंगेजमेंट भी है वहाँ पे, प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं फंडिंग के लिए। तो जितने भी आपको असिस्टेंस चाहिए, फ्रॉम योर आइडिएशन स्टेज टू योर MVP स्टेज टू योर मार्केट ग्रोथ स्टेज, है ना, एंड ये पूरे के पूरे रोड मैप के साथ सपोर्ट अवेलेबल है। हमारे पास क्या क्या फंड्स हैं इनिशियल स्टेज पे, सपोज यू आर एन EV व्हीकल फाउंडर, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्रांट चाहिए, उसके लिए क्या क्या ग्रांट है आपके पास, स्टेट पॉलिसीज हैं, स्टेट ग्रांट्स हैं, आपके पास निधि फंड है, आपके पास अलग अलग जो कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं उनके फंड्स हैं, आपके पास फिर स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट का फंड है, दैट इज डेट डिबेंचर एंड ऑल, है ना। तो ये सारी फंडिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम में। इसके साथ साथ आपको पेटेंट है, पेटेंट फाइलिंग है, वो पूरा का पूरा रिम्बर्समेंट है, और जिस जिस स्टेज पे आपको जो जो जरूरतें हैं वो स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट पोर्टल पे। सागर भाई ये बताओ मेरे को, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक आइडिया है, मेरे को आइडिया को वैलिडेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, टीम फॉर्म करना है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और टीम फॉर्म करना है तो पैसे तो डालने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे लोगों को काम करने के लिए, तो दैट जर्नी, दैट थिंग कैसे फॉरवर्ड लेके जा सकता हूँ मैं? देखो मेरा, अगर तुमने टेडेक्स सुना होगा या इससे पहले भी कोई भी मेरा इंटरव्यू देखा होगा, जस्ट अ मोमेंट टू ऐड हियर, ही वाज अ स्पीकर फॉर अ टेडेक्स इवेंट टू, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर
मेरा अगर तुमने कहीं भी स्पीच सुना है तो पता होगा तुम्हें कि मैं जब स्टूडेंट था, फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज, आई स्टार्टेड दिस वेंचर, तो मेरे को जो पॉकेट मनी आती थी घर से, उससे मैंने महीना महीना अपने फाइनेंसेस काट काट के मैंने स्टार्ट किया है, तो समझो पॉकेट मनी कितनी आती होगी, लाइक जेब में 5-10 हज़ार मुश्किल से रहते थे, ठीक है। तो वैसे ही एक वेंचर बिल्ड हुआ, और मेरे को घर से सपोर्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे घर में कोई समझ ही नहीं पा रहा था ये काम करना क्या करना चाहता है। सागर मेरे को ये बता, स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम में क्या हेल्प अवेलेबल है? अगर आप स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट पोर्टल पे जाओगे, जो बहुत फाउंडर्स नहीं करते एक्सप्लोर, वो करना चाहिए मैं मानता हूँ। अभी भी इतने सारे स्टार्टअप्स हमारे पास, बट 80-85,000 स्टार्टअप्स ही DBIT रजिस्टर्ड है, क्योंकि लोग समझते नहीं वहाँ पर वैल्यू एडिशन क्या है। आप अगर आइडिएशन स्टेज पे हो, आपकी आइडिया वैलिडेशन से लेके इंक्यूबेशन सपोर्ट, एक्सेलरेटर सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, आपको अगर फर्म रजिस्टर करना है, आपको ट्रेडमार्क फाइल करना है, आपको IPR रजिस्टर करना है, पेटेंट फाइलिंग करनी, ये सारे सपोर्ट्स हैं आपकी कंपनी बिल्ड और स्केल करने के लिए। इसके अलावा फंडिंग सपोर्ट्स क्या क्या है, निधि फंड हो गया, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ग्रांट्स एंड ऑल, देन देर इज स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया ग्रांट सीड फंड, देन देर आर मल्टीपल कॉर्पोरेट्स दैट आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू स्टार्टअप्स फंडिंग सपोर्ट्स। वो फंडिंग कैसे आता है, कॉर्पोरेट का CSR बजट होता है, वो CSR बजट वो इंक्यूबेशन के थ्रू उस कंपनीज में लगाते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू। सो दीज काइंड ऑफ सपोर्ट्स आर ऑलरेडी देयर इन द इकोसिस्टम, तब भी हमारे स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे को ये बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे फाउंडर्स या स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द टीम व्हाट दे हैव। मेरे को ये बता दो कि राइट टीम कैसे फॉर्म करें। देखो जब आप आइडिएशन स्टेज पे आपका प्रोडक्ट होता है तो आपके पास पैसा नहीं होता उसको रन करने के लिए, राइट, एग्जीक्यूट करने के लिए और टीम को टीम पे लगाने के लिए, और फंडिंग भी नहीं मिलती आइडिएशन स्टेज पे अगर आप एक्सपीरियंस फाउंडर नहीं हो तो उस स्टेज में एक्चुअल में जो जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ड्रिवन थिंग इज ESOP, देन द स्टेक्स, जो वैल्यू एडिशन हर एक टीममेट्स आपकी कंपनी में लेके आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप कैसे ड्राइव करते हो अपने टीम को, मोटिवेट करते हो, उनको पर्पस बताते हो कि क्यों आप ये बना रहे हो, व्हाट इज योर व्हाई व्हाट एंड हाउ फैक्टर, देन आप उनको रोड मैप, क्लियर रोड मैप। अगर देखो एक फाउंडर को अंडरस्टैंडिंग है ना कि मेरे को A to B कैसे पहुंचना है, और वो सेल्स पिच एक इन्वेस्टर को भी दे सकता है, वो अपनी सेम पिच टीम को भी देना है, उससे टीम पता होती है कि भाई ये बंदा कर लेगा। तो द गट फीलिंग इनिशियली टीम लेती है फाउंडर पे, सेम गट फीलिंग एक एंजल इन्वेस्टर लेता है फाउंडर पे। फेक इट टिल यू मेक इट, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या चल रहा है? सी, फेक इट टिल यू मेक इट को अगर तुम समझो तो क्या है कि फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है, तो झूठ तब तक बोलो जब तक तुम उसे सच कर सकते हो। तो मैं एक स्टोरी, अगर अगर लाइफ से हम इसे जोड़े तो एक स्टोरी है कि मैं पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हुआ एक कॉलेज से, स्टेट चैंपियनशिप थी, तो मेरी डेडलिफ्ट मैंने 180 बताई है ना, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी थी, मेरे साथ बंदे भी थे काफी, तो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया और कंपटीशन में मेरे को लेकिन 180 लिफ्ट करने थे, बोल दिया कमिट कर दिया मैंने, तो मैंने आज तक इस 170 से ऊपर उठाया नहीं था लिफ्ट, और मेरे को ये पता था कि मैं प्रिपेयर करके 3 हफ्ते में उसको सच कर दूंगा उस झूठ को, तो मैंने कंपटीशन में उसको उठा लिया और उस झूठ को सच कर दिया। ये मेरे लाइफ का है। सागर जी थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम, बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत कुछ आपके बारे में जानने है, बहुत कुछ और मन कर रहा है मेरे टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन विल हैव दिस कन्वर्सेशन मोर, वी इन फ्यूचर शूट करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम।